नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा वापस से शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई से ही ये यात्रा बंद थी, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद ये यात्रा वापस शुरू हो गई है। दोस्तों, चार धाम यात्रा का इंतजार सभी को रहता है और चारों धामों में भी सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार की घाटी में ही पहुँचते हैं। यात्रा की शुरुआत से ही चारों धामों में भारी भीड़ देखी गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में ही थी। ऐसे में अचानक उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के बाद केदारनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया था और इसकी वजह से श्रद्धालु भी काफी परेशान थे कि ये यात्रा वापस कब शुरू होगी। तो फिलहाल यात्रा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी मॉनसून का टाइम होने की वजह से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे मौसम सामान्य होता जाएगा, वैसे वैसे यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में अगर आप भी केदारनाथ धाम इस साल जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए फिर आज की इस वीडियो में जानते हैं केदारनाथ धाम जाने का सही समय और यात्रा के दौरान क्या करें और क्या नहीं। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु धीरे धीरे कुछ दिनों में दर्शन के लिए पहुंचने लगेंगे। केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के मुख्य तीर्थ स्थानों में से एक है। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों से जाते हैं। ये मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए मौसम को देखते हुए मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर के बीच ही खोले जाते हैं। इसके बाद भारी बर्फबारी होने की वजह से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप भी ऐसे में केदारनाथ धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। केदारनाथ धाम जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सर्दियों में और मॉनसून के मौसम में जाने से बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मॉनसून के दौरान बाढ़ या फिर लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा होता है। ऐसे में इस दौरान यात्रा का प्लान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। यात्रा पर जाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने साथ सर्दियों के कपड़े जरूर लेकर जाएं। भले ही आप गर्मियों के मौसम में जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे में यात्रा पर जाते समय अपने पास छाता, रेनकोट, ये सब सामान जरूर रखें। एक नॉर्मल व्यक्ति को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने में कुल 5 से 6 घंटे का समय लगता है, तो जल्दबाजी के बजाय आराम से चलें। चलने के दौरान भगदड़ ना करें, वरना आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अपनी यात्रा की शुरुआत आप सुबह जल्दी कर सकते हैं, ताकि दिन तक आप आराम से केदारनाथ धाम पहुंच सकें। दर्शन के बाद यहां एक रात आराम करें और अगले दिन सुबह गौरीकुंड के लिए वापसी की यात्रा शुरू करें। इस बात का ध्यान रखें कि हड़बड़ी में कभी भी आपको चार धाम का प्लान नहीं बनाना है। कुछ दिनों का टाइम लेकर ही आपको अपनी यात्रा प्लान करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में इन धामों के दर्शन करेंगे तो इसका असर आपकी तबीयत पर होगा। ध्यान रखें, अगर आप दर्शन, चढ़ाई और वापसी एक ही दिन करने की सोच रहे हैं तो आप शाम तक या रात तक वापस गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक आने में दिक्कत हो सकती है। रात के समय गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए गाड़ियों में सीट मिलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही गौरीकुंड में बहुत कम होटल्स या लॉज होने के कारण यहाँ आपको रूम ढूंढने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी अपने साथ लेकर मत जाइए। यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं होता। इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम होता है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब होने का डर होता है। अगर आप केदारनाथ धाम तक बिना कष्ट के पहुंचना चाहते हैं, तो आप डोली पर बैठकर भी जा सकते हैं, जिसका किराया 8 से 10 हजार रुपए के बीच होता है। वहीं कंडी के राउंड ट्रिप का किराया लगभग 5 हजार रुपए है और खच्चर के राउंड ट्रिप का किराया 5 से 6 हजार रुपए है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाने की सोच रहे हैं तो इसका किराया करीब 7 हजार रुपए के आसपास है। अपना यात्रा कार्ड और आधार कार्ड यात्रा पर ले जाना बिल्कुल मत भूलिए। केदारनाथ मंदिर की यात्रा रात में करने से बचें, क्योंकि रात में जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है। हालांकि ये तो एक प्रिकॉशन है, अब आप अलाउड भी नहीं है कि आप रात को केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकें। यात्रा पर जाने से पहले अपने पास टॉर्च और एक्स्ट्रा बैटरी जरूर रख लीजिए। केदारनाथ धाम की यात्रा के कुछ दिन पहले से ही
सांस से जुड़ी एक्सरसाइजेस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, इससे आपको वहां पर सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। होटल की बुकिंग एडवांस में ही कर लें। पीक सीजन में रूम मिलने में काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि इस दौरान लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों, केदारनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3,553 मीटर है और यात्रा पर जाने का अगर हम सही समय देखें तो गर्मियों में मई और जून का महीना और सर्दियों में सेप्टेम्बर और अक्टूबर का महीना सही माना जाता है। लेकिन फिलहाल अभी मानसून होने की वजह से आप अगर हमारी राय माने तो आप सितंबर में भी कुछ दिन रुक कर ही यात्रा पर जाने का प्लान बनाइए। अगर आप नज़दीकी एयरपोर्ट के बारे में जानना चाहें तो ये देहरादून एयरपोर्ट है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन पड़ेगा। केदारनाथ ट्रैकिंग डिस्टेंस 14 से 18 किलोमीटर तक का है। दिल्ली से केदारनाथ के लिए कोई डायरेक्ट बस तो नहीं है, इसके लिए आपको सबसे पहले कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डे से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बस लेनी होगी। रोडवेज बस का किराया 300 रुपए है, लेकिन आप चाहें तो प्राइवेट बस भी ले सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको यहां से सोनप्रयाग के लिए बस लेनी होगी। सोनप्रयाग के लिए बस आपको सुबह जल्दी लेनी होगी। अगर आप सोनप्रयाग के लिए सुबह जल्दी बस लेते हैं तो शाम तक आप वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद गौरीकुंड जाने के लिए सोनप्रयाग से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 8 किलोमीटर है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा करनी होगी। दोस्तों, इस पैदल यात्रा में भी आपको अपने साथ चलने वाले काफी भक्त दिख जाएंगे जो पूरे रास्ते आपके साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा करेंगे। ऐसे में अगर आप कहीं खुद को कमजोर महसूस करें तो दूसरों को देखकर भी आप अपने अंदर एक एनर्जी का अनुभव करेंगे और इसकी वजह से आपको जो आपकी यात्रा है वो आसान लगने लगेगी। केदारनाथ यात्रा की भी ट्रैकिंग काफी टफ मानी जाती है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ में एक साथ जयकारे लगाते हुए लोग कब केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।